अलैकुम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। निकाह का फायदा नंबर 5। अहयाउल उलूम में है कि क्यामत के दिन जब हिसाब शुरू होगा और मैदान हशर में मुसलमानों के बच्चे जमा होंगे तो फिर अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाएगा, इन बच्चों को जन्नत में ले जाओ। वो बच्चे जब जन्नत के दरवाजे पहुंचेंगे तो वहां रुक जाएंगे। फरिश्ते उनसे कहेंगे, मरहबा मरहबा, ये मुसलमानों के बच्चे हैं, अरे बच्चों जन्नत में दाखिल हो जाओ क्योंकि तुम पर कोई हिसाब नहीं। ये सुनकर वो बच्चे कहेंगे, अरे फरिश्तों हमारे माँ बाप कहाँ हैं। इनसे जन्नत के फरिश्ते कहेंगे, तुम्हारे वालदैन तुम जैसे नहीं, इनके जिम्मा गुनाह और गलतियां हैं, लिहाजा इनका हिसाब होगा। ये सुनकर वो बच्चे जन्नत के दरवाजे पर चीखेंगे और शोर मचाएंगे, अल्लाह अज़्ज़वजल जो कि सब कुछ जानता है फरिश्तों से पूछेगा कि ये शोर कैसा है। मलाइका कराम अर्ज करेंगे, या अल्लाह अज़्ज़वजल ये मुसलमानों के बच्चे हैं, वो रो रहे हैं और कहते हैं हम अपने वालदैन के बगैर जन्नत नहीं जाएंगे। इस पर अल्लाह अज़्ज़वजल फरमाएगा, ऐ फरिश्तों महशर के मैदान में घूम जाओ और इन बच्चों के वालदैन को तलाश करके इनके साथ ही जन्नत में भेज दो। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, इन बच्चों के वालदैन की बरकत से बगैर हिसाब ही जन्नत पहुंच जाएंगी और ये सारी बरकतें शादी की हैं जिसकी वसात से औलाद हुई।